नमस्कार, आज हम बात करेंगे अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि के भाग तीन पर। इससे पहले हम अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि भाग एक और भाग दो पर बात कर चुके हैं, तो आज की चर्चा का विषय रहेगा अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि भाग तीन। आज की चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु हैं अनुवाद, अनुवादक का व्यापार क्षेत्र, पाठक की भूमिका, द्विभाषिक की भूमिका और रचयिता की भूमिका। हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं कि अनुवादिका या अनुवादक किस तरीके से एक पाठ के ट्रांसलेशन के दौरान उनका रोल, उनकी भूमिका किस प्रकार बदलती है, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि पाठक की भूमिका, द्विभाषिक की भूमिका और रचयिता की भूमिका। और बात करेंगे हम अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपान, जिसकी विस्तृत चर्चा होगी अगले सत्र में। लेकिन इस सत्र में हमारी कोशिश रहेगी कि अनुवाद प्रक्रिया के जो तीन महत्वपूर्ण चरण हैं, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, उसके पहले चरण यानी विश्लेषण, पाठक की भूमिका एवं अर्थग्रहण बोधन की प्रक्रिया पर हम इस सत्र में चर्चा करेंगे। इस प्रस्तुति का उद्देश्य रहेगा अनुवाद, अनुवादक का व्यापार क्षेत्र को जानना और उसके अंतर्गत अनुवादक की भूमिका यानी पाठक की भूमिका, द्विभाषिक की भूमिका और रचयिता की भूमिका। और इस प्रस्तुति के माध्यम से आप ये भी जानेंगे कि अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपान कौन कौन से हैं। और पहला सोपान, जिसे हम विश्लेषण के नाम से जानते हैं, विश्लेषण, पाठक की भूमिका एवं अर्थग्रहण बोधन की प्रक्रिया, किस किस स्तर पर अनुवादक या अनुवादिका को पाठ का विश्लेषण करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस विषय को हमने चार सत्रों में विभाजित किया है, अनुवाद की प्रक्रिया एवं प्रविधि भाग एक, भाग दो, भाग तीन और भाग चार। आज इस चर्चा में हम भाग तीन पर बात करेंगे। भाग एक में हमने अनुवाद प्रक्रिया, अनुवाद और अनुवादक पर चर्चा की थी। भाग दो में अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न प्रारूपों की चर्चा की थी। और आज के इस मॉड्यूल में हमारी चर्चा का केंद्र होगा अनुवाद, अनुवादक का व्यापार क्षेत्र और अनुवाद प्रक्रिया का पहला सोपान, पहला चरण, विश्लेषण, पाठक की भूमिका एवं अर्थग्रहण बोधन की प्रक्रिया। आप जानते हैं और हम इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं पिछले सत्र में कि नायडा, न्यूमार्क और बाथकेट ने किस प्रकार अनुवाद की प्रक्रिया के विभिन्न चरण बताए हैं। और जब आप इस यहाँ भी देख रहे हैं कि जो विश्लेषण, पाठक की भूमिका वाला जो बिंदु है, उसमें हमने उन तीनों को कवर करने की कोशिश की है। विश्लेषण जो नायडा कहते हैं, पाठक की भूमिका एवं अर्थग्रहण बोधन की प्रक्रिया जो न्यूमार्क कहते हैं, और उसी संदर्भ में हम बाथकेट के संदर्भ में भी इसे देख सकते हैं। आप पिछले दो सत्रों से आपने इस बात का अंदाज़ा लगाया होगा कि एक अनुवादिका या अनुवादक की अनुवाद के दौरान क्या भूमिका होती है। हम देखते हैं कि एक अनुवादक को जब वे किसी पाठ का अनुवाद कर रहे होते हैं या कोई पाठ उनके सामने अनुवाद के लिए आता है, तब उनकी भूमिका लगातार बदलती है। किस तरह बदलती है, इसे भी देखा जाना आवश्यक है। और जैसा कि मैंने पहले भी इस पर चर्चा की थी कि जब कोई पाठ अनुदित होकर हमारे सामने आता है या एक अनुदित पाठ के पाठक हम होते हैं या अनुदित रचना के हम दृष्टा होते हैं, दर्शक होते हैं, तो हम नहीं जान रहे होते कि उसके पीछे की जो प्रक्रिया थी वह कितनी जटिल थी और किस तरीके से उस प्रक्रिया के दौरान अनुवाद किया गया होगा और वह अनुदित होकर किन किन सोपानों से गुजरकर अपने लक्ष्य पाठक या लक्ष्य दृष्टा या लक्ष्य श्रोता वर्ग तक पहुँची होगी, ये प्रक्रिया हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारे सामने एक फाइनल टेक्स्ट या फाइनल प्रोडक्ट होता है जिसका कि हम एक मूल रचना की तरह आनंद ले रहे होते हैं। तो हमें उस पूरी जो मूल रचना या जिसे कहा जाए कि फाइनल प्रोडक्ट के रूप में जो रचना हमारे सामने, अनुदित रचना जो हमारे सामने है, हमें उसकी पृष्ठभूमि में झांक कर देखना है यहाँ कि अनुवादिका या अनुवादक की भूमिका उसमें क्या होती है और अनुवाद यानी अनुदित रचना और अनुवादक के बीच का क्या तारतम्य होता है, वो प्रक्रिया क्या है जिसके माध्यम से एक रचना अनुदित होकर हम तक पहुँचती है और उसका हम एक नई भाषा में, एक नए समाज में, एक नई संस्कृति में बैठकर उसका हम आनंद ले रहे होते हैं। तो आज हम इसी पर जिक्र करेंगे कि अनुवाद और अनुवादक का व्यापार क्षेत्र क्या है। अनुवादक को अनुवाद प्रक्रिया से संबंधित द्विभाषिक संप्रेषण व्यापार से गुजरते हुए दोहरी भूमिका का निर्वाह करना होता है। हमने सत्र दो में भी इस पर बात की थी, आज इसमें थोड़ी सी और विस्तार से हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। स्रोत भाषा के पाठ के पाठक की भूमिका और लक्ष्य भाषा के पाठ के लेखक की भूमिका, तो ये एक साथ दो भूमिकाएँ एक अनुवादिका या अनुवादक को निभानी होती है। जब भी किसी रचना को अनुवाद के से पहले या अनुवाद के प्रक्रिया के क्रम में जब उसे का पाठ अध्ययन कर रहे होते हैं, तब वे एक तरह से उनसे अपेक्षा होती है कि वे एक मूल पाठ के पाठक के रूप में उसका आनंद लें, यानी वो उसको इतना आत्मसात करें कि जब वे अनुवाद करें तो अनुवाद करते समय
उसकी विश्लेषण की प्रक्रिया या उसके अंतरण की प्रक्रिया में वो पाठ उन्हें इतना अपना लगने लगे कि अनुवाद करने में उन्हें उस पाठ की समझ को लेकर कोई दिक्कत ना आए, तो वहाँ उनकी भूमिका बदलती है, जैसे स्रोत पाठ भाषा के पाठ के पाठक की भूमिका, और फिर जब उसका पुनर्गठन करके या उसका जब अनुवाद करके जो उसे अंतिम प्रारूप देते हैं उसे हम कहते हैं लक्ष्य भाषा के पाठ के लेखक की भूमिका। तो एक साथ अनुवादिका या अनुवादक से दो दो रूप में उन्हें उनकी भूमिका की अपेक्षा की जाती है। पाठक के रूप में मूल लेखक और लेखक के रूप में अनुदित पाठ के पाठक से तादात्म्य स्थापित करना, ये भी उसी का अनुवादक का ही दायित्व है कि वे केवल किसी खास भाषा या किसी एक भाषा के प्रति अपनी फाइडेलिटी या निष्ठा ना दिखाकर वे पाठ के प्रति ज़्यादा निष्ठावान हों, क्योंकि अगर हम किसी एक या मूल भाषा या लक्ष्य भाषा के प्रति जब हम एकांतिक होकर या हम उसके प्रति ज़्यादा निष्ठा दिखाकर जब किसी पाठ का अनुवाद करते हैं तो वहीं से अनुवाद की राजनीति का प्रवेश होता है, जिसके अंतर्गत हमें जानते हैं कि जब अनुवादक या अनुवादिका या कहा जाए अनुवाद एजेंसियाँ प्रकाशन संस्थाएँ जब किसी एक भाषा के प्रति अतिरिक्त किस्म का लगाव या निष्ठा दिखाते हैं तब उसमें पाठ में विचलन होने की संभावना होती है, मैनिपुलेशन की संभावना होती है। तो यहाँ एक अच्छे अनुवाद के लिए आवश्यक है कि अनुवादिका या अनुवादक पाठक के रूप में मूल लेखक और लेखक के रूप में अनुदित पाठ के पाठक से तादात्म्य स्थापित करने का काम करें, यानी वो एक फेयर रोल प्ले करने की कोशिश करें जिसके माध्यम से एक बेहतर अनुवाद हो सके। और तीसरा है पाठक यानी अनुवादक के रूप में स्रोत भाषा के पाठ के भाषिक विधान और उसके संस्कार तथा लेखक के रूप में लक्ष्य भाषा के पाठ की सृजनात्मक कौशल का पर्याप्त ज्ञान रखना आवश्यक होता है। तो जब हम अनुवादक से अपेक्षा करते हैं तो पाठ के अध्ययन के बाद ये भी उनसे अपेक्षा रहती है कि उस भाषा के भाषिक विधान के बारे में भी उनकी समझ ठीक हो, उसके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में भी बेहतर जानते हों, और जब वे उसका अनुवाद लक्ष्य पाठ में लक्ष्य भाषा में जब वे कर रहे होते हैं तब उस लक्ष्य भाषा पाठ का कि समाज का जो सृजनात्मक कौशल है या उसकी जो सृजनात्मक व्यवस्था है, किस तरीके से वहाँ कि पाठ को किस रूप में जाना चाहिए, इसकी समझ भी भाषा के स्तर पर, संस्कार के स्तर पर या कहा जाए कि साहित्य या समाज की संस्कृति के संदर्भ में भी उसके पास इतनी समझ हो कि वह दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा सके। तो पाठक की भूमिका क्या है, यानी एक पाठक के रूप में सबसे पहले अनुवादक का साक्षात्कार मूल रचना से ही होता है। इसका सर्वप्रथम दायित्व पाठक के रूप में मूल रचना में निहित संदेश विषय वस्तु को समझना और उसका सही अर्थ ग्रहण करना होता है। अनुवादक को मूल लेखक के मंतव्य और मूल कृति के संपूर्ण कलेवर को जानने और समझने के लिए काफ़ी गहरे उतरना पड़ता है। हम जानते हैं कि कोई भी पाठ, चाहे वे ज्ञानात्मक साहित्य हो या सृजनात्मक साहित्य हो, उसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक उसका कथ्य पक्ष और एक उसका शिल्प पक्ष या उसका भाषा पक्ष। जो उसका कथ्य पक्ष है जिसके माध्यम से जो कंटेंट है उस वो एक्सप्लेन किया जाता है, और जो उसका जो शिल्प पक्ष है उसकी जो विधा है या उसकी जो भाषा है वह वो कलेवर है जिसके अंतर्गत उस संदेश को परोसा जाता है। तो अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा होती है कि जब वे किसी पाठ को पढ़ें तो उस पाठ को पढ़ते समय जब वे पाठक के रूप में उसे समझ रहे हैं तो उसके साथ वे न केवल मूल रचना के कथ्य को ही ग्रहण करें बल्कि उसका जो शिल्प है, उसका जो कलेवर है, बाहरी कलेवर है, उसके बारे में भी उनकी समझ ठीक हो और उसके बारे उसे को पढ़ते हुए वो पूरे अर्थ को ग्रहण करें, कथ्य के आधार पर भी और शिल्प के आधार पर भी। मूल लेखक और कृति के प्रति अपनी निष्ठा को सहेजना और संवारना पड़ता है। एक पाठक के रूप में पहले मूल पाठ के लेखक की रचना को आत्मसात करते हैं अनुवादक, उसके सामाजिक सांस्कृतिक या किसी अन्य पृष्ठभूमि से स्वयं को जोड़ते हैं और स्वयं पाठक बनकर संप्रेष्य पाठ की उपयुक्तता को जांचते और परखते हैं। जब कोई अनुवाद बहुत ही तटस्थ या एक निष्पक्ष उद्देश्य से किया जाता है तब एक अनुवादिका या अनुवादक से ये अपेक्षा होती है, या कहा जाए कि अनुवाद की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुवादिका या अनुवादक दोनों भाषाओं के प्रति न केवल उनका सम्मान होता है बल्कि जब इस पाठ का अध्ययन भी कर रहे होते हैं तब उनके अंदर एक मानसिक प्रक्रिया चलती है कि इस पाठ को अपनी भाषा में या लक्ष्य भाषा में किस तरह पुनर्स्थापित किया जाए। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जब अनुवादिका या अनुवादक मूल रचना को पढ़ते हैं तो मूल रचना को पढ़ने की उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही वे ये भी समझते जाते हैं कि इसको किस तरीके से अन्य भाषा में या लक्ष्य भाषा में सहेजना होगा या उसे संवारना होगा, और जो निष्ठा है
अनुवाद के पाठ के प्रति वह किसके साथ होगी, यानी कि उनके उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि उनकी निष्ठा पाठ के प्रति हो, ना कि केवल भाषा या किसी खास संस्कृति के प्रति, यानी ना वे मूल संस्कृति के प्रति, मूल भाषा के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो और ना ही लक्ष्य भाषा के प्रति, जबकि उनका उद्देश्य जो होना चाहिए वह जो पाठ है जिसका अनुवाद किया जाना है उसके प्रति हो। और उस ऐसी स्थिति में जब अनुवादिका या अनुवादक एक पाठक की भूमिका में होते हैं तब उनका उद्देश्य बहुत ही निष्कलुष और कहा जाए कि बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य के साथ वे पाठ का अनुवाद के क्रम में आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो जो उनकी भूमिका है अनुवादिका अनुवादक की, जब हमने अनुवाद के सिद्धांतों पर, अनुवाद की प्रक्रिया के सिद्धांतों पर बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने प्रतीकांतरण भूमिका सिद्धांत पर भी जिक्र किया था, जहाँ हमने स्पष्ट किया था कि अनुवादक या अनुवादिका की तीन भूमिकाएं होती हैं, एक पहली पाठक की भूमिका, दूसरी द्विभाषिक की भूमिका और तीसरी रचयिता की भूमिका। तो हम यहाँ द्विभाषिक की भूमिका की बात करेंगे, जहाँ अनुवादक किसी रचना को पढ़ने के बाद जब वो दोनों भाषाओं के ज्ञाता के रूप में उस पाठ को का अंतरण करते हैं, दूसरी भाषा में उसका भाषांतरण करते हैं, मूल रचना के पाठक की भूमिका निभाने और उसके संदेश का सही अर्थ ग्रहण करने के बाद अनुवादक लेखक द्विभाषिक की भूमिका निभाते हैं और संदेश का लक्ष्य भाषा में भाषांतरण करते हैं। मूल रचना के संदेश को भली भांति समझने के बाद उसे लक्ष्य भाषा में बांधा जाता है। इसीलिए जब हम एक अनुवादक से अपेक्षा करते हैं कि जब वे कोई भी रचना का जब अनुवाद करने के लिए जाएं तो उससे पहले उनके पास दो भाषाओं का ज्ञान हो और दो भाषाओं के साथ साथ उस विषय या समाज जो हाँ अगर वो सामाजिक सांस्कृतिक किस्म का पाठ है तो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में उन्हें जानकारी हो। तो यहाँ पर जो पिछले जो पाठक की भूमिका से जो अगला स्तर है वह द्विभाषिक की भूमिका, जहाँ वे अनुवाद सिद्धांत अनुवाद प्रक्रिया के तहत अगर बात करें तो भाषांतरण का काम करते हैं, जिसके अंतर्गत एक भाषा के पाठ को दूसरी भाषा में पुनर्स्थापित या पुनर्सृजित किया जाता है। और फिर है रचयिता की भूमिका, जो द्विभाषिक से अगला स्तर है, इस स्तर पर भी कि जब हम किसी दो भाषाओं के बीच में जब अनुवाद करते हैं तो केवल अनुवाद कर देना मात्र ही अनुवादक का काम नहीं होता, अपितु उसे जिस नई भाषा या जिस लक्ष्य भाषा या जिस खास समाज के लिए हम उसे ले जा रहे हैं उसमें वे उसे इस तरीके से पुनर्प्रस्तुत करें कि वे मूल रचना सा आस्वाद दें, यानी कि जब उसे पढ़ा जाए तो उसमें इतना आनंद हो कि पढ़ते हुए वे हमें इस बात का एहसास कराए कि जिस तरह की जैसा कि आनंद मूल रचना को पढ़कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अनुवादक की भूमिका रचयिता की भूमिका हो जाती है, जहाँ वे मूल के प्रति मूल के पाठ का अनुवाद करते समय और लक्ष्य में उसे पुनर्स्थापित करते समय एक महत्वपूर्ण और सृजनात्मक भूमिका में होते हैं। उन्हें अनुदित पाठ को अनेक स्तरों पर विभिन्न कसौटियों से जाँचना परखना पड़ता है। लक्ष्य भाषा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए स्रोत भाषा की सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रक्रिया में अनुदित पाठ को पाठक के लिए सहज स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाना होता है। तो तीनों ही तत्व महत्वपूर्ण हैं कि वह पाठ अर्थ की दृष्टि से स्पष्ट भी हो, पढ़ने में सहज भी हो, लेकिन साथ ही उतना ही बोधगम्य भी हो जितना कि वह मूल में था। अनुवाद और अनुवादक की भूमिका के बारे अब हम बात करेंगे। प्रक्रिया के जो तीन महत्वपूर्ण सोपान हैं जिसका जिक्र नायडा ने अपने चिंतन में किया है, विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। और जब हम अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों की बात कर रहे हैं तो हमारी कोशिश है कि हम जो अपने तीन महत्वपूर्ण चिंतक जिनका कि हमने अनुवाद प्रक्रिया के दौरान हमने जिन तीन महत्वपूर्ण चिंतकों की चर्चा की थी, नायडा, न्यूमार्क और बाथकेट, हम उनके द्वारा सुझाए गए जो अनुवाद प्रक्रिया के विविध सोपान हैं उन्हें समेटते हुए अनुवाद प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों के संदर्भ में बात करेंगे। तो ये तीन महत्वपूर्ण सोपान हैं, विश्लेषण, पाठक की भूमिका एवं अर्थग्रहण और बोधन की प्रक्रिया। दूसरा है अंतरण, द्विभाषिक की भूमिका। प्रतीकांतरण सिद्धांत में अगर आपको याद हो तो हमने पाठक, द्विभाषिक और रचयिता के बारे में पढ़ा था। अंतरण, द्विभाषिक की भूमिका एवं अर्थांतरण, संक्रमण की प्रक्रिया। और तीसरा पुनर्गठन, यानी रचयिता की भूमिका एवं अर्थ संप्रेषण या अभिव्यक्ति की प्रक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि न्यूमार्क ने जो अभिव्यक्तिकरण और बोधन की प्रक्रिया को जो जिक्र किया था उसी संदर्भ में हम इसे यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। और बाथकेट ने भी जिस चिंतन अपने साथ सोपानों की बात की थी उसमें से पुनरीक्षण या पर्यालोचन का हमने यहाँ जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वे अनुवाद प्रक्रिया से कहा जा सकता है कि अनुवादक के स्तर पर वो थोड़ी बाहर की प्रक्रिया है, लेकिन उसके जो अन्य सोपान हैं उन्हें हम इनके संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे।
इस सत्र में हमारी चर्चा विश्लेषण, पाठक की भूमिका व अर्थग्रहण बोधन की प्रक्रिया तक सीमित है। अगले सत्र में हम इसके अन्य दो सोपान, अंतरण द्विभाषी की भूमिका एवं अर्थांतरण संक्रमण की प्रक्रिया, और दूसरा यानी तीसरा पुनर्गठन रचयिता की भूमिका एवं अर्थ संप्रेषण या अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, इन दो बिंदुओं पर अगले सत्र में चर्चा की जाएगी। तो आइए जानते हैं विश्लेषण, पाठक की भूमिका एवं अर्थग्रहण बोधन की प्रक्रिया। जैसा मैंने कहा कि नायडा का जो चिंतन है अनुवाद प्रक्रिया को लेकर, वह मूलतः उस प्रक्रिया के अंतर्गत विश्लेषण की प्रक्रिया में व्याकरणिक या भाषागत स्तर पर ही अधिक बात करते हैं। भाषा के आधार पर वो उसका जो वर्गीकरण करते हैं कि वे भाषा के आधार पर कहाँ कहाँ अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा होती है, कि वे किन किन स्तरों पर भाषा का अध्ययन करें और भाषा के अध्ययन के दौरान वे किन किन तत्वों पर ध्यान दें कि जब पाठ का विश्लेषण किया जाए तो वो कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं भाषा के आधार पर जिनका कि अध्ययन किया जाना जरूरी है, विश्लेषण किया जाना जरूरी है, ताकि उसका सही अंतरण हो किया जा सके। तो हम देखते हैं कि भाषा के स्तर पर जो उन्होंने विभिन्न चिंतकों ने या अनुवाद प्रक्रिया के दौरान जो विश्लेषण के आधार पर जब हम चर्चा करते हैं तो कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं। तो पहला है लक्षणापरक एवं व्यंजनापरक अभिव्यक्तियों के स्तर पर। लक्षणापरक और व्यंजनापरक जो भाषा है वो खासतौर पर सामाजिक सांस्कृतिक किस्म का साहित्य, जिसे हम साहित्यिक सृजनात्मक साहित्य कहते हैं, वहाँ इसका प्रयोग अधिक होता है, जहाँ भाषा अपने बहुत सारी अर्थ छवियों के साथ अपने पाठ अपने रूप में होती है, वहाँ पर एक शब्द के मायने अलग अलग संदर्भों में बदल जाते हैं। हम जानते हैं कि जब हम साहित्य का अनुवाद करते हैं तो अनुवाद करते समय हमें जिस कोश की आवश्यकता पड़ती है मूल रूप से शब्दों के अनुवाद के लिए, वे हमारे शब्दकोश, हमारी डिक्शनरीज, जो एक शब्द का अर्थ जानने पर उसे कई पर्याय प्रस्तुत करती है। अब यह अनुवादिका या अनुवादक पर निर्भर करता है कि वे क्या उन सही पर्यायों को सही तरीके से प्रयोग कर पाते हैं या नहीं। अब हम देखेंगे एक पानी शब्द के लिए कितने उसके अर्थ छवियाँ हो सकती हैं। पहला आप उदाहरण के रूप में देखें, पानी पानी होना, पानी लगना, हुक्का पानी, हवा पानी, आँख का पानी, यहाँ सभी जगह पानी का जो मीनिंग है, जो जिसको हम जल कहते हैं, उससे अलग उसका अर्थ है। पानी पानी होना यानी शर्मिंदा होना, पानी लगना यानी कहीं का हवा पानी या माहौल सूट कर जाना, हुक्का पानी यानी उसका सामाजिक संबंध की बात हम कर रहे हैं, आँख का पानी यानी जब किसी की शर्म या लिहाज की बात, जिस हम जिसका जिक्र कहते हैं, आँख का पानी यानी इज्जत की बात करना। तो हम देखते हैं कि अगर अनुवादिका या अनुवादक के पास उस भाषा के साथ साथ उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की समझ नहीं है, उनकी शब्द प्रयुक्तियों की अगर उन्हें समझ नहीं है, तो अनुवाद बेहतर अनुवाद नहीं हो पाएगा। तो पानी का अनुवाद केवल जल देख देने से या वाटर देख देने से उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। ये समझना होगा कि अनुवाद में अनुवादिका मूल पाठ में रचनाकार ने कहना क्या चाहा है। तो हम देखते हैं कि पानी का अर्थ किस तरीके से बदलता है, यही किसी भाषा की लक्षणापरक और व्यंजनापरक अभिव्यक्तियों की पहचान है, कि किस तरीके से एक ही शब्द की अर्थ छवियाँ अलग अलग पाठ में कैसे बदलती हैं। भाषा के स्तर पर जो विश्लेषण हम कर रहे हैं उसमें हम सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के स्तर पर हमने जैसे कहा कि हम चर्चा करेंगे सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ, यानी ऐसी भाषा, ऐसी प्रयुक्तियाँ जो हमारे समाज की से निकलती हैं। और जब भी मैं पिछली बार भी मैंने कहा था, जब हम नायडा द्वारा डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे भाषा के, तो जो भाषा का जो ये जो अभ्यंतर और बाह्य संरचना है, भाषा की जो अभ्यंतर संरचना है, वो उसके समाज और संस्कृति से निर्मित होती है। तो समाज और संस्कृति से आए जो शब्द हैं, उन शब्दों की सही समझ भी अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा की जाती है, कि वे रिश्ते नाते के शब्द हों, मौसम से संबंधित शब्द हों, त्योहारों से, रीति रिवाजों से संबंधित जो शब्द हैं, उन शब्दों की उन्हें न केवल समझ हो, अभी तो उनकी अर्थ और उसके पीछे की जो परिकल्पनाएँ हैं उसके बारे में भी उन्हें सही जानकारी हो, ताकि अनुवाद करते समय किसी तरह की कोई चूक ना हो। मुहावरों के स्तर पर, अलंकारों के स्तर पर और समान शब्दावली के स्तर पर। मुहावरों के स्तर पर हम विस्तार से बात करेंगे। अलंकारों के स्तर पर अगर मैं कहूँ तो हमारा जो साहित्य है सृजनात्मक साहित्य, उसमें हम अलंकारों का प्रयोग बहुत अधिक होता है, और ख़ासतौर पर अगर हम कहें जो छंदबद्ध साहित्य है या जो लयबद्ध साहित्य है, उसमें अलंकारों का प्रयोग अक्सर किया जाता है। इसमें अलग अलग अलंकार, यमक, अनुप्रास, श्लेष या रूपक या उपमा, तो अनुवादिका या अनुवादक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि अलंकार का मतलब ऐसी भाषा जो सीधे सपाट अपनी बात न कहकर घुमा कर या वक्रोक्ति में, या कहें कि उसे साहित्यिक दृष्टि से अधिक खूबसूरत बनाकर उस बात को कहा जाता है। तो जैसा कि हम अक्सर बात भी करते रहे कि जब हम साहित्य की बात करते हैं तो एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में या कथ्य में
इतनी अर्थ छवियाँ होती हैं कि उन अर्थ छवियों तक तो पहुँचने की अपेक्षा एक अनुवादिका अनुवादक सीखी जाती है जब वे उसका अनुवाद कर रहे होते हैं। तो अनुवाद में अलंकारों के स्तर पर जब हम बात करते हैं कि जब हम उपमा की बात करते हैं तो उपमा के माध्यम से हम एक व्यक्ति की तुलना या किसी एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से करते हैं, तो वो उसका जो परिवेश का आज चांद निकल आया या ईद का चांद होना, जब हम बोलते हैं कि ईद का चांद होना तो उसका मतलब ईद का चांद होने के साथ उसका मतलब ये भी है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो जब हम इस तरीके से जब बात करते हैं जिसमें हमने एक तरह से कहा जाए कि एक उपमेय की तुलना उपमान से की, या हमने दो चीज़ों में जब तुलना की तो उसमें डायरेक्ट बात ना करके किसी और प्रतीक का इस्तेमाल किया, तो इन सब चीज़ों की समझ भी अनुवादिका अनुवादक को तभी हो सकती है जब उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को बेहतर जानते हों, उसकी भाषा को जानते हों, उसकी ऐतिहासिक और सभ्यतागत जो निर्मिति है उसके बारे में भी उन्हें जानकारी हों। मुहावरों के स्तर पर अगर हम बात करें तो मुहावरे तो मूलतः हमारी समझ, हमारे समाज और समाज, हमारी संस्कृति का ही एक तरह से आउटपुट है या उसकी उसका उसका प्रमाण है। अगर हम यहाँ उदाहरण के रूप में देखें तो मैंने यहाँ दो मुहावरे लिए हैं, मेरा दिल बाग बाग हो गया और दूसरा है अब अपनी लड़की के हाथ पीले कर दो। ये दोनों ही वाक्य अगर इनका हम शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ के हिसाब से अनुवाद होगा माई हार्ट बिकेम गार्डन गार्डन, जो हम लोग अक्सर मजाक में इसका ऐसा अनुवाद करते हैं, और दूसरा अब अपनी लड़की के हाथ पीले कर दो, नाउ मेक योर गर्ल्स हैंड्स येलो। तो यहाँ हम जो कहना चाह रहे हैं लड़की के हाथ पीले कर दो, तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ विवाह में लड़की के हाथ पर हल्दी लगाई जाती है, उसे विवाह से पूर्व उसको हल्दी लगाया जाता है। तो यहाँ हाथ पीले कर दो का संदर्भ शादी करने से है, उसका विवाह करने से है। तो जब इसका हम लिटरल ट्रांसलेशन कर देंगे तो बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। ज़रूरी है कि हम ये समझें कि उस समाज में उन मुहावरों का अर्थ क्या है और वो मुहावरे किस तरह उनके उनकी संस्कृति, उनकी मान्यताओं, उनकी आस्थाओं, उनकी धार्मिक वृत्तियों और उनके रीति रिवाजों का दर्पण है। तो उसे समझते हुए ही उसका अनुवाद हो पाएगा। तो जब मेरा दिल बाग बाग हो गया का अनुवाद हम अंग्रेजी में करेंगे तो आई फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी, और अब अपनी लड़की के हाथ पीले कर दो, तो उसका अर्थ होगा नाउ गेट योर डॉटर मैरिड। तो यहाँ एक तरह से हमने उसके भाव का अनुवाद किया है, तभी उसके आप उसके अर्थ छवि तक पहुँच सकते हैं। उसी तरह अनेकार्थी भाषिक संरचनाओं के स्तर पर भी जब अनुवाद किया जाता है तब ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी वाक्य में जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ जो हमें समझ में आ रहा है वही है या उसके पीछे कोई और अर्थ भी छिपा है। जैसे हम देखेंगे जो यह अंडरलाइन शब्द है हाथ, इसके इसका अर्थ बदल रहा है, इनफैक्ट ही इज़ एन ओल्ड हैंड, उसका हाथ पुराना है, या इसका अर्थ होगा कि वह एक अनुभवी आदमी है। वी नीड एन एक्स्ट्रा हैंड इन दिस ऑफिस, हमें अधिक मदद की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, या हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो हमारे काम में हाथ बढ़ा सके। तो इस तरीके से हमें देखना होगा कि जो हैंड की जो अर्थ है वो किस तरीके से बदल जा रहे हैं। अगले सेंटेंस में हैंड का मतलब हो जा रहा है एप्लीकेशन शुड बी रिटन इन लेजिबल हैंड, और अगला है द यूनिवर्सिटी इज़ जस्ट एट हैंड, तो यहाँ इसका मतलब नज़दीक है और पास है के संदर्भ में है। ही हैज़ नो हैंड इन दिस डिस्प्यूट, उसका कोई भूमिका नहीं, उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई हाथ नहीं है। तो यहाँ जो हैंड है जिसका मीनिंग हमारी संकुचित बुद्धि या हमारी संकुचित समझ जो समझती है, उसके अलावा उसकी बहुत सारी अर्थ छवियाँ हैं जो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हैज़ इंजर्ड हिज लेफ्ट हैंड, तो उसके बाएँ हाथ में चोट लग गई। ही इज़ द राइट हैंड ऑफ द मिनिस्टर, यहाँ इसका अर्थ उसका जब हम कहते हैं किसी को ये तो दायां हाथ है, तो दायां हाथ का मतलब होता है वह हाथ जो हमारी कह सकते हैं भारतीय समाज में ये माना जाता है कि दायां हाथ बाएं की तुलना में ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा कर्मशील होता है, ज़्यादा काम करता है। तो जब हम कहते हैं ही इज़ द राइट हैंड, या वो तो उसका दायां हाथ है, तो उसका मतलब कि वो बहुत मजबूत स्थिति में है। तो इस तरीके से ये हैंड की अर्थ छवियाँ बदल जा रही हैं, और इस संदर्भ में यहाँ किस प्रकार ये अनेकार्थी हो जा रहा है कि अलग अलग संदर्भ में इसका अर्थ बदल रहा है। इसी तरह अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि जब वे किसी पाठ का अनुवाद करें तो अनुवाद करते समय उसकी अभिधात्मक स्तर पर जब हम भाषा शब्द शक्तियों की बात करते हैं, अभिधा लक्षण और व्यंजना, तो अनुवाद करते समय इस तरह के पाठ का जहाँ की भाषा ट्विस्टी है, जहाँ की मुहावरेगत भाषा का प्रयोग हो रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग हो रहा है, या इस तरह का भाषा है जो आपकी समाज और संस्कृति का एक तरह से प्रतिबिंब है, तब ऐसी स्थिति में अनुवादिका अनुवादक से अपेक्षा होती है कि जब ये अनुवाद करें तो न केवल उसके
बाहरी बाह्य स्ट्रक्चर जिसको जिसका जिक्र नायडा करते हैं, ना केवल उसे समझे अभी तो उसके डीप स्ट्रक्चर यानी कि जो जो भाषा की जो निर्मिति है समाज के भीतर उसे भी समझे और उसके उसे समझते हुए अनुवाद की बात करें। पर्यायवाची शब्दों के स्तर पर भी हम देखते हैं कि इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हम देखेंगे यहाँ जो हमने बोल्ड लेटर्स हैं उसमें एक शब्द का, जैसे हवा के लिए हम देखते हैं, वायु के लिए हम देखते हैं, तो हमें अंग्रेजी में विंड और एयर शब्द मिलेंगे, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमें जब इसका अनुवाद करना है तो इस सेंटेंस में जो ऊपर का सेंटेंस है विंड पोल्यूशन इज़ द मेन प्रॉब्लम होगा या एयर पोल्यूशन इज़ द मेन प्रॉब्लम होगा। तो अगर इस तरह से हम गलत पर्यायों का प्रयोग कर लेते हैं तो भी अनुवाद हमारा कहीं ना कहीं विचलित होता है और अर्थ का अनर्थ होने की संभावना है, या कह सकते हैं कि अर्थ पूरी तरह से संप्रेषित ही नहीं होगा या पाठ कई बार हास्यास्पद भी बन जाएगा। तो विंड पोल्यूशन इज़ द मेन प्रॉब्लम की जगह यह होना चाहिए एयर पोल्यूशन इज़ द मेन प्रॉब्लम। स्ट्रॉन्ग एयर्स आर प्रिडिक्टेड टुमारो, कल तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, तो स्ट्रॉन्ग एयर्स नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग विंड होगा। तो हमें यह समझना होगा कि कौन सा पर्याय कौन सी जगह पर सही होगा। आई लुक अ बर्ड ऑन द ट्री, आई सी अ बर्ड ऑन द ट्री, सी एट द ब्लैक बोर्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो ये लुक और सी देखना के ही अर्थ हैं, लेकिन इसके जो पर्याय हैं इन पर्यायों के बीच में भी रत्ती भर जो अंतर है या जो बहुत बारीक सा जो सूक्ष्म अंतर है उसे समझे जाने की ज़रूरत है, तभी आप एक नई भाषा में या एक लक्ष्य भाषा में एक नए पाठक वर्ग को एक नया पाठ जब प्रस्तुत करते हैं तो एक अनुवादिका अनुवादक होने के नाते आपसे अपेक्षा होती है कि आप उस भाषा के सही जानकार हों, तभी आप उसे तरीके से उसका अनुवाद कर सकेंगे। एयरटेल हैज़ ऑफर चीपर चैटर वैल्यू, नॉट चैटर वैल्यू शुड बी, एयरटेल हैज़ ऑफर चीपर चैट वैल्यू, चीपर टॉक वैल्यू। और अगला है द लेडी इज़ रियली अ टॉक बॉक्स, टॉक बॉक्स ना होकर यहाँ चैटर बॉक्स होगा। तो हम ये देखते हैं कि एक ही बोलने के लिए हम जब शब्द का हमने जब उसका अनुवाद किया तो चैट चैटर और टॉक हमें मिलता है, लेकिन हमें समझना होगा कि कहाँ इसके अंदर केवल उसका अभिधात्मक अर्थ लेना है और कहाँ उसको व्यंजना पर। जैसे हम किसी को चैटर बॉक्स बोलते हैं तो हम जब उसको चैटर बॉक्स बोलते हैं तो उसमें कहीं उसकी भी व्यंजना होती है, अर्थ की व्यंजना की छवि होती है। जब हम किसी पर थोड़ा सा तंज कस रहे होते हैं तो हमें समझना होगा कि जो पर्याय एक शब्द के स्थान पर दिए जा रहे हैं उन पर्यायों का अलग अलग संदर्भों में किस तरह सही प्रयोग किया जाए, नहीं तो ना केवल अर्थ का अनर्थ होगा, कई बार अर्थ संप्रेषण नहीं होगा, कई बार पाठ हास्यास्पद बन जाएगा और कई बार वो एक खराब अनुवाद का उदाहरण साबित होगा। भाषा के स्तर पर जैसे हमने अलग अलग चीज़ों का जिक्र किया, ये कुछ और बिंदु हैं। जैसे शब्द क्रम के स्तर पर, पूर्व सर्ग रूपों या प्रपोजिशंस के स्तर पर, हिंदी और अंग्रेजी के वाक्य व्यवस्था में ये डिफरेंस है कि प्रपोजिशंस के स्तर पर यहाँ हिंदी अंग्रेजी बोला अन्य भाषाओं के संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि जो भाषा की जो विभिन्न इकाइयाँ हैं प्रपोजिशंस आर्टिकल्स आदि पदबंध पदक्रम इन सभी स्तरों पर एक पाठ के अनुवाद के दौरान अनुवादक या अनुवादिका को भाषा के स्तर पर अलग अलग कोणों से विचार करने की आवश्यकता है। संदिग्धार्थी संरचनाओं के स्तर पर, जब कोई शब्द एक से अधिक अर्थ दे रहा हो या उसके अर्थ को लेकर संदेह हो तब ऐसे स्तर पर भी अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि उसे सही तरीके से समझे। जैसे हम किसी से कहें कि चांद निकल आया है तो यहाँ इसके दो अर्थ हो सकते हैं, उसने मन भर मिठाई खाई तो मन भर यानी दिल भर के और मन भर यानी वजन में मन भर। ही प्लांटेड अ फुट ऑन हिज फुट, उसने उसके पैर पर पैर रखा या उसके पैर पर पौधा लगा दिया। तो आपको ये इसको समझना होगा कि ये अर्थ के संदर्भ में ये कहाँ जा रहा है। जब हम कहते हैं चांद निकल आया तो एक उसका सीधा सा मीनिंग है कि आसमान में चांद निकल आया, और जब दूसरा किसी को व्यंग्य करते हैं तो हम किसी अन्य संदर्भ में भी चांद निकल आएगा, जो कोई खूबसूरत स्त्री अगर आई तो उसके लिए हमने कहा चांद निकल आया, या कोई किसी गंजे व्यक्ति के लिए कहा तो हमने कहा चांद निकल आया। तो किस तरीके से ये संदिग्धार्थी संरचनाओं में अर्थ बदलते हैं और किस तरह अनुवादिका या अनुवादक को देखने की ज़रूरत है कि जब वे किसी पाठ का अनुवाद करें तो उसके न केवल वाक्य को इकाई माने अपितु तो पूरे टेक्स्ट को या उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए ये समझने का प्रयास करें कि जब वे अनुवाद करें तो किस वाक्य का, किस मुहावरे का, किस शब्द का अनुवाद किस तरह से अलग अलग संदर्भों में बदल जाता है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के स्तर पर हम देखें अगर तो जैसे मैंने यहाँ उदाहरण भी दिया है कि मोहन ने गाना नहीं गाया और मोहन से गाना नहीं गाया गया, इन दोनों में हम देखते हैं कि एक में कर्ता प्रधान है और दूसरे में कर्म प्रधान है। अगर हम अनुवाद करते समय इस क्रम व्यवस्था को ध्यान में ना रखें, जो इसका वाच्य जो तरीके जिस तरीके से इसको प्रस्तुत किया गया अगर उसे हम ध्यान न रखें तो भी अर्थ में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज में या हम जब हम सरकारी स्तर के पाठ के अनुवाद के संदर्भ में या कहें जो हम ऑफिशियली जब हम कोई पाठ लिखा जाता है तो उसमें कर्ता प्रधान ना होकर वह कर्म प्रधान
उसका जो लिखने का तरीका होता है वह उस तरीके से होता है। अगर अनुवादिका अनुवादक को इन दोनों के बीच में अगर बारीक जो अंतर है उसकी समझ नहीं है, या उसका अनुवाद करते समय उसके उसकी शैली को बदल देते हैं, तब भी अनुवाद प्रभावित हो जाता है, तो इसका भी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। एक अन्य स्तर पर हम जानते हैं कि एकवचन और बहुवचन, तो जब अभी एकवचन होता है तो हम कहते हैं कि राम आता है, और हम जब कहते हैं कि बहुवचन हम कहते हैं लड़के आते हैं। तो लेकिन कई बार ऐसा ये भी होता है, जब हम अंग्रेज़ी में देखते हैं, अंग्रेज़ी में जो बहुवचन है जिसे हम प्लूरल्स कहते हैं, वो कई बार एक ग्रुप के सेंस में आता है, जहाँ हम वो है बेसिकली बहुवचन, लेकिन क्योंकि उसे हमने ग्रुप बना के उसे सिंगुलर कर दिया है, तब उसकी प्रयुक्ति में अंतर आ जाता है, जैसे अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। तो यहाँ जो ग्रुप है वो अपने आप में बहुवचन का प्रतीक है, लेकिन जब इसका वाक्य में प्रयोग होगा तो हम बोलेंगे अ ग्रुप इज़ कमिंग, हम ये ग्रुप आर कमिंग नहीं कह सकते, क्योंकि हमने ग्रुप को यहाँ वचन एक बड़े ग्रुप को हमने समूह में समेट लिया। तो इस तरीके से वो किस तरीके से अर्थ बदल जाता है। फ्लॉक ऑफ शीप, शीप यानी भेड़ों का झुंड, कैटल गायों का झुंड, क्राउड ऑफ पीपल बहुत सारे लोग, ऑडियंस ऑफ स्पेक्टेटर्स। तो किस तरीके से ये जो बहुवचन के प्रतीक जो शब्द है, लेकिन अपनी निर्मिति में ये सिंगुलर हो जाते हैं, तो इनके जब वाक्य प्रयुक्ति में हमें जब इसको इस्तेमाल करना होगा तो हमें ध्यान रखना होगा कि इसके बाद अभी सिंगुलर हो गए हैं, तो इसके साथ आर का प्रयोग ना होगा, इसका प्रयोग होगा। तो ये कुछ एक ऐसे उदाहरण है जिसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं जानने की कि किस तरीके से भाषा के स्तर पर जब विश्लेषण किया जाता है तो अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा होती है कि वो भाषा को बहुत गहरे स्तर पर जानते हों, उसकी पूरी निर्मिति को समझते हों, वाक्यगत, व्याकरणगत, संरचनागत और उसके अर्थगत, या उसे कहा जाए उसकी संकल्पना, या उसकी जिसे हम डीप स्ट्रक्चर, भाषा का डीप स्ट्रक्चर कहते हैं, उस संदर्भ में भी वह भाषा को दोनों स्तरों पर जाने और अनुवाद करते समय वो बारीकियों को पकड़े और उसी आधार पर उसका अनुवाद करें। आर्टिकल्स में हम देखते हैं अंग्रेजी में ए, एन और द का प्रयोग होता है, तो ए के साथ वाक्य का अर्थ कुछ और बन जाता है, एन के साथ अलग हो जाता है, और द के साथ उसका मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। तो हम देखते हैं जैसे कि लंच, द लंच, स्कूल, द स्कूल, लिटिल, अ लिटिल, तो किस तरीके से इसमें अर्थ में बदलाव हो जा रहा है। जब हम द लगा देते हैं तो किस तरह वो स्पेसिफिक हो जाता है, ए और एन किस तरीके से वॉवल्स के साथ लगता है, और अगर नहीं लगता है तो उसका अर्थ किस तरीके से बदल जाता है, अ स्कूल कहने में और द स्कूल कहने में क्या डिफरेंस है। ये भाषा की जो बारीकियाँ हैं, क्योंकि हम यहाँ अंग्रेजी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसी तरीके से हम अन्य भाषा के संदर्भों में भी जब उसके व्याकरण की हम का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं ये जानने की कि उन दोनों भाषाओं के अलग अलग स्तरों पर अनुवादिका अनुवादक को पूरी जानकारी हो, और अनुवाद करते समय न केवल उन बारीकियों को समझे अपितु उसका सही अनुवाद भी कर पाए। तो ये सब अपेक्षाएँ एक अनुवादक से होती हैं। दूसरी चीज़ विषय वस्तु के स्तर पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हम इसको संदर्भ में देख सकते हैं कि अनुवाद करने के लिए केवल अनुवाद आ जाना मात्र काफ़ी नहीं है, उसके साथ उसकी पृष्ठभूमि, पाठ की पृष्ठभूमि या उसका जो कंटेंट है उसके साथ भी उसका अनुवादक या अनुवादिका की समझ होनी चाहिए, ताकि वो समझ पाएँ कि जो पाठ उनके सामने है वो बेसिकली किस नेचर का है। जैसे पहला वाक्य देखें, बुल्स एंड बियर्स क्लैश टुगेदर इन द मार्केट, तो यहाँ जो बुल्स एंड बियर्स हैं, ये बुल्स एंड बियर्स वे बुल्स एंड बियर्स नहीं है जिनका कि अर्थ हमें डिक्शनरी में मिलता है। तो यहाँ जो हम बुल्स एंड बियर्स की बात करें तो हम शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, तो किस तरीके से शेयर मार्केट में या कॉमर्स मार्केट में किस तरह से बुल्स और बियर्स प्रतीकात्मक अर्थ रखते हैं, और जब हम यहाँ बुल्स एंड बियर्स क्लैश टुगेदर इन द मार्केट बोल रहे हैं तो उसका अर्थ वह नहीं है जो हमें इसका अभिधात्मक अर्थ समझ में आ रहा है। हमें उसके निहितार्थ को समझना होगा कि बुल यहाँ किसका प्रतीक है, बियर किसका प्रतीक है, और जब इसकी बात हो रही है तो किस तरह वो आर्थिक बाजार या कहा जाए कि शेयर मार्केट का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और किस संदर्भ में वहाँ किन दो इकाइयों की बात यहाँ हो रही है। द बीज जनरली वेक अप वेरी क्विकली इन द लाइट। तो यहाँ जब वेकअप का मतलब उठना या जाग जाना नहीं है, यहाँ इसका अर्थ जूलॉजी के संदर्भ में है कि लाइट में, रोशनी में बीज ज़्यादा जल्दी सक्रिय हो जाते हैं, तो सोकर उठना से इसका अर्थ नहीं है, यहाँ इसका मतलब बदल जाता है। द राइट्स ऑफ द क्राउन इन ब्रिटेन आर वेल डिफाइंड, तो क्राउन का मतलब जब हम देखते तो हमें मुकुट मिलेगा या ताज मिलेगा, लेकिन यहाँ जो क्राउन का अर्थ है वह राजगद्दी से है या उस विशेष सम्मान से है या उस विशेष पद से है जिसका कि जो केवल क्राउन शब्द से स्पष्ट नहीं हो सकता है। तो जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि यह क्राउन केवल मुकुट नहीं है, क्राउन का मतलब वो राजगद्दी है या वो पद है जिसका कि यहाँ चर्चा की जा रही है। द कल्प्रिट अपीयर्ड इन द कोर्ट, तो कल्प्रिट ने कोर्ट में प्रवेश किया, कल्प्रिट
कोर्ट में प्रकट हुआ, उपस्थित हुआ, ये लॉ के हिसाब से। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि विषय वस्तु के स्तर पर, उसी तरह का तरीके से हम मीडिया के संदर्भ में अगर बात करें तो हम देखते हैं कि मीडिया में जब कोई पाठ लिखा जाता है या कोई जो न्यूज़पेपर्स के जो हेडलाइंस होती हैं वो बहुत अच्छे से वाक्यबद्ध नहीं होती हैं, लेकिन वही उसका एक खास शैली है, उसका स्टाइल है, क्योंकि उसके माध्यम से कम शब्दों में कहकर बड़ी बात को कम्युनिकेट करने का प्रयास किया जाता है। तो विषय वस्तु के स्तर पर भी ये देखा जाना ज़रूरी है कि पाठ किस तरीके का है, अनुवाद की रणनीति क्या होगी, किस प्रकार के अनुवादक की हमें ज़रूरत होगी, किस तरह वह अनुवादक बेहतर अनुवाद हो पाएगा। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जब हम विश्लेषण की बात करते हैं पाठ के, तो किस तरीके से एक अनुवादिका या अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि जब वे किसी पाठ का अनुवाद करें तो भाषा के स्तर पर किन किन इकाइयों पर उनको विचार करने की आवश्यकता है, किस किस तरीके से भाषा के स्तर पर, शब्द क्रम के स्तर पर, प्रपोजिशन के आधार पर, उपपद यानी आर्टिकल्स के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर, मुहावरे, सामाजिक सांस्कृतिक प्रयुक्तियों के आधार पर, उनकी जो वाक्य व्यवस्था है, वाक्य संरचना है, उसके आधार पर किस तरीके से जब पाठ का विश्लेषण करें तो कितनी बारीकियों से उस पाठ को देखे जाने की आवश्यकता है, तभी जब इन स्तरों पर जब काम होगा तभी एक बेहतर अनुवाद समाज में आ पाएगा या पाठकों के हाथ तक पहुंच पाएगा। तो इसके पीछे की इस जटिल प्रक्रिया की हमने विश्लेषण के अंतर्गत चर्चा की। इसके जो अगले दो बिंदु हैं, जिस अंतरण और पुनर्गठन, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। इस सत्र के लिए इतना ही, धन्यवाद।